मैम मैं ना रोज सोचती हूँ आज बस ये 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके रहूंगी, लेकिन डे एंड आते आते बस 3 से 4 घंटे की पढ़ाई होती है। मैम रोज ये सोचती हूँ कि पहले ये सब्जेक्ट करूंगी, फिर दूसरा सब्जेक्ट करूंगी, फिर तीसरा सब्जेक्ट करूंगी, लेकिन मैम डे एंड आते आते वो पहला सब्जेक्ट भी पूरा खत्म नहीं हो पाता। मैम रोज सोच रही हूँ कि आज फोड़ दूंगी, पर डे एंड आते आते वो ही पैनिक, वो ही रिग्रेट, वो ही एंजाइटी। बस मुझे डे एंड पे वो ही दिख रहा है, इतना सारा सिलेबस, देयर इज दिस ओशन ऑफ सिलेबस, लेकिन उसके सामने मेरे टारगेट्स कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहे। इसीलिए एवरी सिंगल डे बस ये थॉट आ रहा है गिव अप कर देते हैं, शायद ये अटेम्प्ट तो मेरा नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स दे देंगे। क्या रिलेटेबल? लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं जब तक यहाँ पे बैठी हूँ आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गिव अप, बिकॉज आई नो कि ये जो 30 डेज है ना, ये गेम चेंजर एक्ट कर सकते हैं आपके लिए। देर आर मेनी स्टूडेंट्स यू नो अब तक बहुत पढ़ाई करते हैं, जी जान लगा देते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट आके पैनिक करते हैं एंड वो अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक फुल टाइम पास मारते हैं, लेकिन लास्ट 30 डेज में आके जागते हैं, जी जान लगा देते हैं, सब कुछ भूल भाल के सिर्फ पढ़ाई करते हैं एंड दे आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। आई वॉन्ट यू टू लीव एवरीथिंग एंड फोकस अपॉन नेक्स्ट 30 डेज। बस मुझे ना आपके साइड से कमिटमेंट चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको, एक ऐसे 6 to 7 स्टेप प्रोसीजर जो आपका सिलेबस अगर अभी 10% पे है ना, तो नेक्स्ट 21 डेज में यू विल रीच अप टू 70 to 80%, ये मेरी गारंटी। बस मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना जो भी मैं बोल रही हूँ, बस मुझे कमिटमेंट दे दो स्टार्टिंग में। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम रेडी टू स्क्रिप्ट माय सक्सेस स्टोरी एंड देन देयर इज नो मोर गिविंग अप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बस मुझे ये कमिटमेंट दे दो, जो मैं बोलूंगी उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। इनफैक्ट मैं चैनल पे टाइम टू टाइम बहुत कुछ चीजें, बहुत क्रूशियल चीजें लाइंड अप है चैनल पे गाइस। अभी जैसे कि मैंने रिसेंटली ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है, एक एक वेबिनार 2-2 घंटे का, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं देख रही हूँ उनकी समरीज बना रही हूँ। 3 सब्जेक्ट्स के वीडियो समरीज मैंने ऑलरेडी बना दिए, सीए फाइनल के 3 सब्जेक्ट्स, सीए इंटर के 3 सब्जेक्ट्स और समरीज मैं जल्द बना रही हूँ, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आई एम वॉचिंग दीज वीडियोस एंड मेकिंग समरीज फॉर यू, बिकॉज बहुत क्रूशियल इनसाइट्स होते हैं। आपके हर सब्जेक्ट में 10 to 15 marks बढ़ सकते हैं बाय वॉचिंग दीज समरीज। तो 100% जो मैंने समरीज डाली, अगर आपने नहीं देखी तो गो एंड चेक इट आउट, यहाँ पर लिंक छोड़ देती हूँ, एंड जल्द ही बची हुई समरीज में मैं लाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। तो चलो अभी थोड़ा सा काम पे लगते हैं, बी वेरी ओपन माइंडेड। अभी बहुत ना मुझे ध्यान से सुनना है आपको जो भी मैं आपको यहाँ पे बात बता रही हूँ। नंबर वन थिंग इज, सबसे बड़ी गलती क्या है, अपन ना रैंडमनेस में पढ़ाई करते हैं, चलो आज FR उठा लेते, चलो आज ऑडिट उठा लेते, चलो आज AFM उठा लेते, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले टेक डाउन अ पेन एंड पेपर, मेरा अभी तक तो क्या क्या हुआ है और हर सब्जेक्ट में क्या क्या हुआ है और क्या क्या बचा है, भले ही वो 10% चीजें हुई है, जो हुआ है वो लिखो, जो नहीं हुआ है वो लिखो, यू नीड टू बी क्लियर ना। नहीं तो क्या होता है, AFM जब कर रहे तब ऑडिट का ध्यान आ रहा है, ऑडिट जब कर रहे तब FR का ध्यान हो रहा है, फॉर इंटर स्टूडेंट्स जो अकाउंट जब कर रहे तब टैक्स का ध्यान आ रहा है, टैक्स जब कर रहे तब लॉ का दिक्कत हो रही है, तो दिमाग में बस कंफ्यूजन। मैम बैठे उस जगह पे 10-12 घंटे, लेकिन कंफ्यूजन करते डे टाइम वेस्ट हो गया। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पेन एंड पेपर पे क्लैरिटी लेके आ जाओ कि चलो ये मेरा हुआ है, ये मेरा बचा है। पढ़ाई करते टाइम भी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करने के लिए थोड़ा सा फोकस आवर्स निकालो। फोकस आवर्स मतलब क्या, एक साथ पढ़ाई करो। आई डोंट बिलीव इन दैट पोमोडोरो टेक्निक एंड ऑल की 45 मिनट्स पढ़ाई करना, 15 मिनट का ब्रेक लेना, पर सीए स्टूडेंट्स है यार, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझने को आधा घंटा लगता है, उसके बाद तो आप उठ जाते हो और फिर वो वापस बैठते हो, फ्लो बनाने को 20 मिनट लगता है, वापस उठ जाते हो। तो प्लीज 3 घंटा एक साथ एक स्लॉट में पढ़ाई करके देखो, आप देखना आप 12 घंटे पढ़ाई करोगे लेकिन 20 घंटे का आउटपुट निकलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस आवर्स निकालो एंड आपका जो भी क्लैरिटी है वो सामने रखो। नंबर 2 थिंग इज कि आपको ना आपके लिए टारगेट सेट करने पड़ेंगे। सी अपना अपना दिमाग जो है ना वो इमरजेंसी सिग्नल्स पे काम करता है। लेट्स गो बैक इन द स्कूल डेज। सपोज कोई एक ऐसी टीचर है जो आपको बोल रही है कि मुझे कल के कल ये 20 सम सॉल्व करके चाहिए। अरे आप जी जान लगा के वो खाना डिनर स्किप करके रात भर बैठ के वो सम सॉल्व करके मैम के पास लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई ऐसी टीचर है जिसने बोला कि यार ये सम सॉल्व कर देना, एक हफ्ते बाद लेके आना, आप वो सम सारा आराम से सॉल्व करोगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो टारगेट्स पे काम करता है। तो अभी इसके आगे आपको क्या करना है, आपको एवरी सिंगल डे प्लान करना है, नॉट ओनली जस्ट प्लानिंग द थिंग्स कि मुझे ये सब्जेक्ट करना है, आपको उसमें भी ड्रिल डाउन करना है कि मुझे कौन से स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा चैप्टर करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सामने, सो दैट आप रैंडमली ना आगे बढ़ो, आपको हर सिंगल डे का प्लान आपके सामने हो। जब आपके सामने टारगेट होता है ना, यू रन टू चेज दैट, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। अभी रिसेंटली मेरा वर्कशॉप चल रहा है, 10-day वर्कशॉप फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड 10-day वर्कशॉप फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सीए फाइनल स्टूडेंट्स का कल ही एक सेशन कंडक्ट हुआ, ओ माय गॉड, जो लास्ट में एनर्जी क्रिएटेड थी दैट वाज जस्ट क्रेजी। सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट सेशन टुडे इवनिंग में है, जो सीए फाइनल का के स्टूडेंट्स हैं, जो अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया वो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिस वाले लोग हैं, जो होम मेकर्स हैं, दे वॉच द रिकॉर्डेड सेशन ओनली एंड देन गेट द इक्वल बेनिफिट ऑफ इट। गाइस मैंने यहाँ पे ना बेसिकली पूरा टारगेट्स देती हूँ आपको कि जैसे कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, क्योंकि मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया बेसिकली। आई हैव स्टडीड द MTPs, आई स्टडीड द RTP, क्योंकि अभी ये नया कोर्स है, अपने को तो पता ही नहीं पेपर पैटर्न क्या होगा, तो MTP सेक्शन वाइज वेटेजेस RTP स्टडी करके एक ब्लूप्रिंट बनाया है। आई अंडरस्टूड द 80-20 रूल बेसिकली,
स्मार्टली करना है 21 डेज में तो 80-20 रूल अप्लाई करना पड़ेगा. देर आर जस्ट 20% हाई अर्निंग चैप्टर्स जिसमें से वो 80% आता है एग्जामिनेशन में. तो कौन से है ये 20% चैप्टर्स, इनको कितना टाइम देना है, बचे हुए चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, ये ब्लू प्रिंट में यहाँ पे डिस्कस करके पूरा आवरली रूटीन प्लॉट करके चैप्टर वाइज प्लान करके पूरा डिस्कस करती हूँ. यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेशन के बाद ही मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम यू नो दैट एनर्जी इज क्रिएटेड, एक ही दिन में 12-14 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, ब्लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी 30 डेज वर्कशॉप अटेंड करके 2-3 एग्जामिशंस लेके आए हैं बच्चे. सो दैट्स एन अमेजिंग इंपैक्ट. अभी बहुत ही कम टाइम के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे अवेलेबल है. इसके साथ आपको हर सब्जेक्ट की फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स. इसकी मार्केट वैल्यू ना 2500 रुपीस के आसपास है टेस्ट सीरीज की, वो इस वर्कशॉप में आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. तो ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, यू आर टेकिंग बैक 1000 रुपीस एट योर होम. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं गाइस. बहुत ही लिमिटेड इंटेक रखने वाली हूं मैं, लिमिटेड सीट्स लेने वाली हूं मैं. तो इफ यू वांट कि आपको डायरेक्शन मिले, यू नो पूरा डिटेल में मैं यहां पे बताती हूं कि जैसे कि रूटीन क्या होना चाहिए, कौन सा चैप्टर कब करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, थियोरी कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल कैसे पढ़ना है, 1.5 डे का क्या प्लान होगा. आप ये सेशंस ना लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज, विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज, मेडिटेशन एक्टिविटीज जो आपको मोटिवेटेड रखते थ्रू आउट दिस अपकमिंग 1 month 1.5 डे प्लानिंग, ऐसे ICAR BOS वेबिनार्स की क्रूशियल पॉइंटर्स जिसके आपके हर सब्जेक्ट में 15-20 मार्क्स बढ़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन एम करना है, कौन से सब्जेक्ट में 40s में एम करना है, उस हिसाब से कि स्मार्टली प्लान करके कैसे भी करके अपन ये एग्जामिनेशन इस बार क्लियर कर दे, बहुत यूजफुल रहेगा. बिकॉज बेसिकली द वाइब इज क्रिएटेड अराउंड कि जैसे कि सी आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पोस्टपोनमेंट के चलते या यू नो बिकॉज ऑफ एनी रूमर्स चलते उन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, दे आर इन टू द स्किल कि मैंने अभी तक नहीं की, बट वेन दे सी सो मेनी पीपल अराउंड हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक बट दे आर विलिंग टू टेक इन चार्ज, देन व्हाई नॉट मी. तो वो माइंडसेट क्रिएट हो जाती है 30 डेज में. इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग दैट माइंडसेट. दैट्स व्हाट दिस वर्कशॉप डज. अमेजिंग बेनिफिट्स है, अमेजिंग रिव्यूज है और आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. तो बेसिकली ऑल आई मीन टू से यू इज कि टारगेट सेट करना जरूरी है बेटा. टारगेट सेट करते हो देन यू रन बिहाइंड इट एंड आपके दिमाग को बस ये सिग्नल जाना चाहिए कि आई एम नॉट गोइंग टू गो टू बेड अंटिल आई अचीव द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे. उस हिसाब से आगे बढ़ोगे ना तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा. तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपन ने डिसाइड कर लिया कि मेरा क्या बचा है, क्या रह गया, आपको सिलेबस की क्लैरिटी आ गई. उसके बाद आपने फोकस आवर्स निकाल लिए कि चलो मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे ब्रेक लेना है, इस टाइम पे सोना है, एवरीथिंग दैट्स गेट सॉर्टेड. नंबर 3 थिंग आपने टारगेट सेट कर लिए कि चलो मुझे ऐसे ऐसे करना है. अब इसमें भी क्या करो, टारगेट्स सेटिंग में 7-7 डेज दे दो एक सब्जेक्ट के लिए. दैट्स माय 4th पॉइंट एक्चुअली कि आपको 7-7 डेज देने हैं एक सब्जेक्ट के लिए. उसमें भी पिकअप द सब्जेक्ट विच यू आर वीक एट. अभी लेट्स से आप सीए इंटर ग्रुप 1 के हो और अगर आपको लगता है मेरा टैक्स वीक है तो नेक्स्ट 7 डेज पहले आपको टैक्स करना है, फॉलोड बाय लॉ, फॉलोड बाय अकाउंट्स, जो भी इन दैट ऑर्डर की जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, फिर उससे कम एंड देन उससे कम. इस ऑर्डर में आगे चलोगे तो आपका वो जो फियर फैक्टर है वो एलिमिनेट हो जाएगा. बिकॉज सी अगर आपने आपको टैक्स डिफिकल्ट लगता है और आपने 15 अप्रैल के बाद टैक्स उठाया ना तो वो पूरा माइंडसेट की बैंड बन जाती है, पूरा पैनिक क्रिएट हो जाता है. तो अपकमिंग 5th अप्रैल तक आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है. सो दैट इज एलिमिनेटिंग द फियर बेसिकली. नंबर 5th पॉइंट इज कि गाइड सीन आपको ना फ्लो में लाने के लिए काफी बार ना हमें डर रहता है, मैम क्या करें, ये भी करना है, वो भी करना है, तो इतना सारा सिलेबस देख के अपन डर जाते हैं. तो क्या करो, थोड़ा सा ना स्मार्टली पढ़ाई करेंगे. अभी प्री हीटिंग द ओवन टेक्निक एक है. इसका मतलब क्या होता है कि सी सपोज आपको केक बेक करना है 2 ओवन से, एक है प्री हीटेड और एक हीटेड नहीं है, तो कौन से ओवन में केक ज्यादा फास्ट बेक होगा? ऑफकोर्स इन द प्री हीटेड ओवन, राइट? तो आपको भी वही करना है, आपके दिमाग को प्री हीट करना है. हाउ कैन यू प्री हीट योर माइंड? बाय वॉचिंग सम फास्ट ट्रैक लेक्चर. जैसे कि खुद से पढ़ाई करते टाइम डर लग रहा है ना तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लो एंड खुद से क्वेश्चन सॉल्विंग करो, या फिर इतना मैक्सिमाइज्ड जो पढ़ाई है आपके सामने उसका मिनिमाइज्ड वर्जन, कोई भी फ्लो चार्ट उठा लो, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का सारांश उठा लो, वो पढ़ लो एंड देन खुद को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो. इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक फ्लो बनेगा, एक किक मिलेगी पढ़ाई के लिए. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प. उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपके बॉडी को हीटेड रखना है. जैसे कि इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू एक्टिविटीज, स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, रिकॉर्ड योर वॉइस नोट्स, इंटरैक्ट विद योरसेल्फ. अरे इतना एंगेजिंग बना दो पढ़ाई को, मिरर के सामने जाके पढ़ाई करो, ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाई करो, इतना एंगेजिंग बना दो प्रोसेस के लिए कि आपको मन करे पढ़ाई करने का. दैट यू नो दैट एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज इज गोइंग टू पुश यू एवरी सिंगल डे टू वर्क हार्ड एंड क्योंकि बोर्डम नहीं होगा, वो मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है. सो दैट इज समथिंग विच हेल्प्स. ये चीजें अगर आप करोगे तो आप देखना 21 डेज बाद, अगर आप अभी 10% सिलेबस पे हो तो 21 डेज बाद आप यहाँ पे आके कमेंट करोगे कि मैं 80% सिलेबस अचीव हो गया, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, फोकस है, आपने टारगेट सेट कर लिया, आपका फोकस लग गया है, पूरा आपके सामने क्लैरिटी है कब क्या करना है. दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द डेज टू कम. ठीक है, तो कोई टाइम पास नहीं करना है बेटा इसके आगे. जो जिसको ट्विटर पर ट्रेंड चलाना है चलाने दो, जिसको जो करना है करने दो, अपने को पढ़ना है बेटा. कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों ने यही किया कि वो ही ट्रेंड ही डिस्ट्रैक्शंस में फंसते चले गए एंड एंड मोमेंट आके एग्जाम जब होनी थी तभी हुई एंड जिन्होंने क्लियर करना था उन्होंने कर भी लिया, लेकिन जिनका नुकसान होना था उसका हो गया. आपको मेक श्योर करना है कि मुझे इस बार एग्जाम्स पास करना है, नॉट फॉर मी, फॉर माय पेरेंट्स एटलीस्ट. ठीक है, तो बस जो भी अभी तक किया वो गिल्ट साइड में रखो कि मैम अभी तक नहीं किया है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, गिल्ट साइड में रखो. दिस इज सम सीरियस एक्शन टाइम, दिस इज द हसल सीजन, इसमें अपने को अपना 100% एफर्ट्स देना ही देना. ठीक है गाइस, ओके, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट. मैं रहूंगी आपके साथ, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं, पूरे 30 डेज आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू. चलो बाय बाय, टेक केयर.